चल टी न्यूज में आपका स्वागत है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला को उस समय नजरबंद कर दिया गया जब वह प्रदर्शनकारी दलितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए गजवेल जा रही थी। जुबली हिल्स में शर्मिला के लोटस पाउंड आवास पे तनावपूर्ण स्थिति थी क्योंकि पुलिस ने शर्मिला को रोक दिया था। पुलिस ने अधिकारियों ने वाईएसआरटीपी नेता को बताया कि उनकी यात्रा की कोई अनुमति नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पे सवाल भी उठाया है। एक अनोखा विरोध प्रदर्शन में शर्मिला ने उन्हें रोकने वाले पुलिस अधिकारियों की आरती की। बाद में वह अपने समर्थकों के साथ अपने आवास पे उपवास पर बैठ गई हैं। वहीं वाईएसआरटीपी नेता ने भारत राष्ट्रीय समिति सरकार की उनके निरंकुश दृष्टिकोण के लिए आलोचना की और एक बार फिर बीआरएस को तालिबान राष्ट्रीय समिति करार दिया है। वहीं मीडिया कर्मियों को मुखिया के निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त किए गए और दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि एक विपक्षी दल के नेता के रूप में उन्हें वहाँ जाने का पूरा अधिकार है। क्या मैं लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता? मैं उनके साथ कैसा न्याय कर सकती हूँ? उसने पूछा है। देखिए आज की खास रिपोर्ट में।